आज मैं आपके साथ एक कोकोनट की स्वीट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको कोकोनट का पोहा भी बोला जाता है। ये एक असमीज ट्रेडिशनल डिश है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वीट कोकोनट पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज के कोकोनट्स। नारियल का ऊपर का हार्ड पार्ट मैंने निकाल लिया है और ये ब्राउन कलर का जो सिल्का है इसको भी निकालना है। अभी पूरे सिल्के को निकालने के बाद इसको एक बार धो लेना है और इसको पूरा साफ कर लेना है। अभी ये नारियल को मैं कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करने के लिए मैं यहाँ पर बिग साइज का होल यूज कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर मिक्स किया है। एक नॉनस्टिक पैन मैंने यहाँ पर गरम कर लिया है। अभी ये पैन में मैं ये नारियल को फ्राई करूँगी। फ्राई करने के टाइम स्टार्टिंग में यहाँ पर बहुत सारा पानी निकल जाएगा, क्योंकि नारियल में बहुत सारा पानी रहता है और शुगर से भी पानी निकलता है। तो इसको ड्राई होने तक अच्छे से फ्राई करना है। इसको कंटिन्यूसली हिलाते हुए पकाना है, नहीं तो नारियल बहुत जल्दी जल जाता है। मैंने 15 मिनट्स इसको अच्छे से फ्राई किया है। उसके बाद ये ड्राई होने लगा है। अच्छे से ड्राई होने के बाद ही गैस ऑफ करना है। नारियल को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम यूज किया है। नारियल का पोहा ऑलमोस्ट रेडी है और ये पूरा ड्राई हो चुका है। और 1 मिनट होने के बाद मैं इसका गैस बंद कर दूंगी। After 10 मिनट्स मैं इसको एक छन्नी से छान रही हूँ। और ये स्वीट कोकोनट पोहा रेडी हो चुका है और ये बहुत टेस्टी है खाने में। जिसको जिसको मीठा खाना पसंद है उसको ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपने आज तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो इसको आप चाय के साथ खा सकते हो, या कभी भी मीठा खाने का मन करे तो आप इसको स्टोर कर सकते हो फ्रिज में 1 महीने तक। एयर टाइट डब्बे में आप इसको स्टोर कर सकते हो। रेसिपी कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।